पेड़ के ऊपर लगता है। एक मैंगो पेड़ के ऊपर लगता है तो स्टार्टिंग कक्षा के अंदर वो कैसा है अपने आप में? ग्रीन है। धीरे धीरे कैसा होगा? येलो होगा। धीरे धीरे क्या होगा? रेडिश हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया उसके अंदर बदलनी है, तो पर्याय के अंदर पदार्थ बदलना, द्रव्य तो वही है, मैंगो मैंगो के रूप में ही है, लेकिन अब उसके अंदर पर्याय का परिवर्तन, गुण पर्याय का परिवर्तन। अब गुण पर्याय में से एक बदला कि सभी बदले? वर्ण पर्याय में परिवर्तन आया। अब गंध पर्याय के अंदर पहले गंध कैसी थी, बाद में गंध कैसी आई, बाद में गंध कैसी आई, पर्याय का परिवर्तन है। चले रस पर्याय के अंदर पहले कड़वा था, फिर खट्टा था, अब मीठा है, ये पर्याय का परिवर्तन हुआ। इधर आप देख रहे हैं स्पर्श पर्याय। अब स्पर्श के अंदर क्या था साहब? कैसा स्पर्श था? कठिन था। अब जो है वो आम रस का आम है, आपने उसको स्पर्श पर्याय से बदल करके कर दिया। अब वो बदलने के बाद जो है उसका रस किस प्रकार का, तो ये पर्याय का परिवर्तन हुआ। पुद्गल के अंदर हमेशा ही वर्ण गंध रस स्पर्श बदलते रहते हैं। आपके घर में बेटा पैदा हुआ तब उसके वर्ण गंध रस स्पर्श कैसे थे? अब वो बड़ा हुआ तो वर्ण गंध रस स्पर्श में कोई फर्क हुआ? अब 10 बरस का हुआ तो कितना अंतर हुआ? अब 20 बरस का हुआ तब कितना अंतर हुआ? अब 30 बरस का हुआ तब कितना फर्क पड़ा? तो ये किसका परिवर्तन है? वर्ण गंध रस स्पर्श का परिवर्तन है, क्योंकि पुद्गल का शरीर तो पुद्गल का ही बना हुआ है। अब पुद्गल का है तो वर्ण गंध रस स्पर्श ही है। तो बेटा जन्मा था तब कैसा था उसका रूप रंग, अब बड़ा हुआ तब कैसा है, अब इससे और बड़ा हुआ 10 बरस का हुआ तब कैसा है, 20 बरस का हुआ तब कैसा है, 30 बरस का हुआ तब कैसा है। तो ये पर्याय का परिवर्तन है, पर्याय बदलती है तो गुण तो बदलेंगे। पुद्गल के गुण सब जगह पर है। आपने देखा है प्लांट्स के ऊपर पेड़ पर जो है रुई जो बनती है सर, अब वो कैसी होती है, उसके बाद उसको साफ सुथरी करके शुद्धिकरण की प्रक्रिया कैसे रुई बनाई जाती है वो कैसी है, और उसके बाद उसमें से जो है धागा बनता है, धागे को बुन करके जो है उसके बाद कपड़ा बनता है। अब कपड़ा भी बन गया आपका, लेकिन आपने कपड़े को रंग करके लाल कर दिया, अब क्या होगा? रंग भी बदल गया, कपड़े का भी रंग आपने बदल करके सफेद से लाल कर दिया, तो ये तो होना ही होना है सबके अंदर। तो वर्ण बदला, अब गंध बदलोगे, रस बदलोगे, स्पर्श बदलोगे, हर चीज में ये होता है। जो भी संसार की अनंत वस्तुएं सब पुद्गल की बनी, पुद्गल ही है, सभी वस्तुएं पुद्गल की पुद्गल ही है, तो वर्ण गंध रस स्पर्श बदलता ही रहेगा, ये निश्चित रूप से होना है, निश्चित रूप से बदलना है। तो ये जो पर्याय का परिवर्तन आ, लेकिन द्रव्य कोई पर्याय बदलने से द्रव्य नष्ट तो नहीं हुआ ना, द्रव्य तो जो है वही है, द्रव्य जैसा है वही है, आत्मा के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वर्ण गंध रस स्पर्श बाहर की पुद्गल के हैं साहब, अंदर की चेतना आत्मा तो जो जैसी है वही है। ऐसा तो नहीं है कि गोरे व्यक्ति में सब गुण है और काले व्यक्ति में सब दोष दुर्गुणी है। आत्मा के गुणों को गोरे काले पग के साथ क्या संबंध है? आत्मा के गुणों को लाल पीले कपड़े के साथ क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। लेकिन लोग संसार के व्यवहार में बस गुणों के साथ भी, आत्मा के गुणों के साथ भी पुद्गल के शरीर के वर्ण गंध रस स्पर्श को मैच करने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। अब उनको समझ नहीं है सर, आत्मा अलग वस्तु है, पुद्गल का शरीर अलग है, पुद्गल के शरीर के वर्ण गंध रस स्पर्श है और आत्मा के गुण ज्ञान दर्शन आदि है, तो इसमें उसमें पर्याय का क्या बदलना संबंध है? अब जैसा नियम यहाँ आपने पुद्गल के अंदर देखा, अब पुद्गल के अंदर देखने के बाद अभी आप ये देखिए कि आत्मा के अंदर जो गुण है
तो आत्मा के गुणों के अंदर क्या फर्क आ रहा है, अब कैसा फर्क आ रहा है, ये हम देख रहे हैं आत्मा के। अब ये आत्मा के अंदर क्या है, ये दर्शन है और ये ज्ञान है। इधर आपने ये देखा, ये चारित्र है और ये मेरे है। अब इनके अंदर भी पर्याय बदलेगी कि नहीं बदलेगी, आत्मा को दर्शन गुण से क्या करना है, देखना भी है, सुनना भी है, चखना भी है, सूंघना भी है, स्पर्श भी करना है, तो ये सभी है। अब वो जितनी बार जो भी करने जाएगी, एक बार में देखेगी, दूसरी बार देखेगी, तो पर्याय बदल जाएगी। अब उसको जो है किससे देखना है, अब महिलाएं तो आप जानते हो दिन में 10 ड्रेस बदल ले रही थी, अब वो तो ड्रेस बदल के आ गई तो क्या दूसरे दूसरे ड्रेस से उसको दूसरे तरीके से पहचानना क्या। 100 महिलाएं बैठी हो और 100 महिलाओं के सामने एक बच्चा रोता हुआ आए, वो अपनी मम्मी के पास जाएगा कि दूसरे किसी के पास जाएगा। अब 100 महिलाएं अगर एक तरीके सभी लाल ड्रेस पहन के बैठ जाए तो अब बच्चा पहचान नहीं पाएगा अपनी मम्मी को, भले वो 12 महीने का है कि 2 महीने का है, 6 महीने का है कि 2 साल का है, लेकिन उसके अंदर उसकी मेमोरी तो है ना, तो वो लाल साड़ी देखकर नहीं पहचानता है, चेहरा देखकर के ही पहचान लेता है। क्या तो बरोबर रोता हुआ भी बच्चा अपनी मम्मी के पास जाएगा, क्योंकि तो उसकी भी मेमोरी तो काम कर ही रही है। आपने क्या सोचा है, बच्चा शरीर से छोटा बड़ा है, शरीर से कोई मतलब नहीं है, 2 बरस का है कि 2 महीने का है, 4 महीने का है कि 4 बरस का है, उसको सिर्फ अपनी मेमोरी से मम्मी को पहचानना है। मम्मी को पहचानने के लिए उसके ब्रेन में उसकी मेमोरी सेट है, तो वो क्यों चिंता करेगा, सब कुछ भी नहीं करना है, फटाक से जाकर के मम्मी के पास पहुंच जाएगा, उसका रोना भी बंद हो जाता है। अब ऐसे स्थिति में ये पर्याय किसकी बदल गई, पर्याय किसकी बदली था, अब दर्शन ज्ञान चारित्र आदि के अंदर जो है ये अपने अपने गुण है, तो दर्शन गुण की पर्याय बदली, फिर ज्ञान गुण की पर्याय बदलेगी, मति स्मृति समझ आदि के कारण ज्ञान गुण की पर्याय बदलती रहेगी। एक बात आज आपने सुनी, चलो वो कितने प्रतिशत समझ में आई कि ना आई, अब वही बात आप जो है 2 दिन के बाद भूल जाओगे, अब 2 दिन के बाद बोलोगे नहीं नहीं मैं तो भूल गया, मुझे समझ में नहीं आया था। चलो भाई ठीक है, अभी इसमें तो व्यवस्था है, रिकॉर्डिंग वापिस उपलब्ध हो जाती है, तो फिर वापिस कभी सुन लीजिए, फिर वापिस याद आ जाएगी। तो याद आना, सुनना, समझना, भूलना, ये पर्याय कैसे हो गए, सब ये सब पर्याय बदलती है ना। बदलना मतलब क्या हुआ, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया बदली कि नहीं। अब ये है आपका ज्ञान और ये है इधर मेरी पदार्थ। अब ये पदार्थ जो है, जो भी पदार्थ, जैसा भी पदार्थ के रूप में अब जो सामने आया है, वो आपके ज्ञान में रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारा ज्ञान इस समय कैसा है, मिरर के जैसा है। अब मिरर के जैसा है तो जो भी पदार्थ सामने, वो नए पदार्थ है, वो अंदर आएगा तो पर्याय बदलेगी। अब 5 बजे की पर्याय गई, अभी 7 बजे की पर्याय, 7 बजे की पर्याय गई, अभी 9 बजे की आई। आपने 7 बजे क्लास चालू किया, वो किस ज्ञान का था, वो गंधर्ववाद के ज्ञान की क्लास थी, वो क्लास पूरी हो गई। अब 8 से 9 जो है आपकी फिजिक्स, मेटाफिजिक्स की क्लास है, द्रव्यमान योग की क्लास है, तो वो 7 बजे उत्पन्न हुई क्लास, 8 बजे व्यय हो गई। इधर इस क्लास का ज्ञान जो है 8 बजे शुरू हुआ है, 9 बजे व्यय हो जाएगा, फिर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया चलेगी, फिर वापिस बदलेगी, समझे कि नहीं। तो ये प्रतिक्षण हो जाएगा, फिर तो बार बार बदलता हो जाएगा। आप रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़े रहे, 2000 लोग सामने खड़े हैं, साथ आपने सबको देखा, ट्रेन आई, कुछ उतरे, कुछ चढ़े, ट्रेन चले गई, साथ क्या हो गया 1 मिनट के अंदर,
अब जो देखा था उसमें सारी पर्याय का परिवर्तन हो गया, बिल्कुल पर्याय इधर से उधर बदल गई। अब आपने जैसे ही पर्याय देखा है विषय बदलता गया, सोचिए। तो ये स्वरूप हमको देखना है। जब दर्शन ज्ञान का पर्याय हमारी बदलती है तो इधर चारित्र और वीर्य शक्ति की इनकी भी पर्याय बदलती रहती, इनके भी पर्यायों में परिवर्तन आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है, होता ही रहता है। ऐसा क्यों होता है कि अभी आपने समृद्धा, नमता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा जिन गुणों का आचरण किया तो उसकी पर्याय सामने आई, उत्पाद हुआ, फिर गए हो गया। ऐसा अभी कोई बोलेंगे हाँ साहब इलेवन जी आप जो है वंदन शुरू कीजिए, वंदना शुरू कीजिए, आपने उत्पाद से प्रक्रिया चालू की, आपका वंदना पूरी हो गई, दो मिनट की बात थी। आप क्या बोलेंगे हाँ मैंने अभी तो कर ली, अभी तो वंदना कर ली, तो बात पूरी हो गई, समझेंगे व्यय हो गया। अब चलो शांति से क्लास सुन लो, बैठिए फिर वापिस जब आएगी तब तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ऐसी प्रक्रिया हमारी निरंतर होती रहती है, तो वो उत्पाद व्यय के कारण पर्याय में परिवर्तन आता रहता है। अब पूरे जगत के अंदर समस्त पदार्थ है, अब इतने पूरे विश्व के अंदर जितने समस्त पदार्थ है आत्मा पूरी पर जो है ये आत्मा है, और इधर जगत के अंदर सभी यही पदार्थ ये है, सब यही पदार्थ। अब ये तो बदलेंगे ही ना, इनके अंदर तो बदलना संभव है, होते ही रहेंगे, बदलेंगे ही बदलेंगे, इसमें तो कोई ना नहीं। अब ये जो पर्याय में परिवर्तन होने वाला है इसमें होगा साथ नए पदार्थ में। इधर देखिए कौन है, ये पार्श्वनाथ का जीव है, अब यहाँ पर देवलोक में है, तब आपने उनको देवता के रूप में देखा, और जैसे उनका आयुष्य पूरा हो गया ये तो वहां से शरीर छोड़कर यहाँ आ गए। उनके जाने के बाद ये महावीर की आत्मा है, ये शरीर अपना जो है यहाँ पर आगे जन्म ले लिया। तो अब पहले क्या कहते हैं महावीर स्वामी को देवता कहते थे, इधर क्या कहते थे पर्याय बदल देता, अब आकर के माता देवानंदा की कुक्ष में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अब ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया है, ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया बदल गई, अब यहाँ पर महावीर स्वामी आए। अब महावीर स्वामी जिस तरह से यहाँ पर है ये उनका जीवन जो है अब वो 72 बरस का चल रहा है, 30 बरस तक गृहस्थाश्रम में रहे। तो आप क्या कहेंगे सर, गृहस्थाश्रम ही पर्याय, गृहस्थ पर्याय, 30 बरस महावीर स्वामी गृहस्थ पर्याय में रहे, ये पर्याय उनकी चलती रही। लेकिन अब उसके बाद उन्होंने दीक्षा ले ली, तो ये अब महावीर स्वामी दीक्षा मिली तो पर्याय बदल गई। अब क्या कहेंगे हम उनको, साधु कहेंगे साहब, महावीर स्वामी अभी केवल ज्ञानी भगवान नहीं कहेंगे, लेकिन गृहस्थाश्रम में नहीं है, दीक्षा लेकर साधु बन गए, अब आप साधु कहिए। 12.5 बरस तक वो साधना करते रहे, अब वो केवल ज्ञानी केवल बन गए, अब आपको क्या कहना है, केवल ही तीर्थंकर भगवान कहना है। बदल गई पर्याय, अब 30 बरस तक महावीर स्वामी क्या है, अरिहंत भगवान के रूप में, तीर्थंकर परमात्मा के रूप में देशना दे रहे हैं। आज सिमंदर स्वामी क्या है, तो सिमंदर स्वामी आज जो है तीर्थंकर केवली पर्याय में देशना दे रहे हैं, वर्तमान पर्याय है। अब एक दिन के तीर्थंकर सिमंदर स्वामी का आयुष्य पूरा हो जाएगा, बचे हुए चारों अगादी कर्म भी सब क्षय हो जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे, तब आप क्या कहेंगे, अब सिमंदर स्वामी कहेंगे कि सिद्ध भगवान कहेंगे सर। हम यहां तक जब है इस शरीर में है, देहधारी अवस्था है तो देहधारी अवस्था तक व्यवहार करिए, कल यहां से जाकर सिद्ध बनने के बाद अब देहधारी नहीं कहना है, वहां शरीर नहीं है, नहीं है तो शरीर के साथ का व्यवहार वहां की भाषा में मत करिए, वहां उनको सिद्ध करिए, बस बात पूरी हो गई, अब वो सिद्ध बन जाए। ये उत्पाद में हुआ, लेकिन अब हुआ तो क्या हुआ, महावीर स्वामी में क्या फर्क पड़ा था, जो है वही है,
तो यहाँ पूरे जगत के अंदर अब ये मेल पदार्थ कितने बदलने वाले हैं, किस किस प्रकार के पर्याय बदलने वाले हैं ये पदार्थ। तो ये जो नए पदार्थ है उनके अंदर जैसा परिवर्तन आएगा वैसा केवली के ज्ञान दर्शन में भी होगा। अब केवली कहाँ कहाँ पर है, एक तो केवली यहाँ है और एक केवली यहाँ सिद्ध रूप में है, तो ये भी केवल ज्ञानी ही है। यहाँ पर जो है वो भी केवल ज्ञानी ही है, सिद्ध रूप में है, तो दो ही पर्याय है केवल ज्ञानी के, या तो संसार में रहे तो इस रूप में और मोक्ष में जाए तो इस रूप में। अब जो जगत के नए पदार्थ में जैसा परिवर्तन होगा अब वो केवल के ज्ञान में बरोबर आएगा ही आएगा। तो केवली अपने ज्ञान में बरोबर इसको देखेंगे जानेंगे अच्छी तरह से, तो ये उनको बरोबर ख्याल में आ रहा है केवल किस तरह से ज्ञान दर्शन, क्योंकि ज्ञान में जो परिवर्तन होगा वही उनके ज्ञान में होगा, तो इनको बरोबर दिखाई देगा, इनको यहाँ पर बरोबर दिखाई देगा। तो ये जो है केवली के ज्ञान दर्शन की पर्याय है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, अब ये जो ये पदार्थ बदला वो भी केवली के ज्ञान दर्शन में आया। अब 7:20 पर कहे थे तब केवली बोल रहे कि हाँ सब जिंदा है, और 7:21 पर पूछो तब बोलेंगे भाई ये तो जीव चला गया है, इनका अब जीव नहीं है, मृत्यु हो गई है, उनको बरोबर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बदलती हुई पर्याय के हिसाब से जवाब देंगे ना। जो पर्याय बदल गए उस हिसाब से, एक बार की बात क्या है, प्रसन्न चंद्र राजर्षि जो है कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े थे, तो वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके और सूर्य के सामने दृष्टि लगा करके एक पैर पर खड़े थे साथ। अब वहां से श्रेणीक राजा का सम्राट का जो है प्रोसेशन निकला था, तो हाथी पर बैठ करके श्रेणीक राजा निकल रहे थे। अब उन्होंने दूर से देखा तो श्रेणीक महाराजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ओ हो इतने बड़े महात्मा, ओ हो अरे 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 कितना बड़ा ध्यान कर रहे हैं, कितना बड़ा ध्यान कर रहे हैं। तो उन्होंने आकर के सीधे महावीर स्वामी भगवान को पूछा कि हे भगवान, मैं एक गलत बात पूछना चाहता हूँ, खराब है सही नहीं है, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे जानना है। ये महात्मा दोनों हाथ ऊपर करके एक पैर पर एक चढ़ाकर सूर्य के सामने दृष्टि खुली रखकर ध्यान कर रहे हैं, अगर इसी क्षण इनका इनकी मृत्यु हो जाए तो कहाँ जाएंगे ये? अपने प्रश्नों के शब्द पर ध्यान देना है, शब्द क्या है, इसी क्षण अगर इनकी मृत्यु हो जाए तो ये कहाँ जाएंगे। तो वो क्या समझ रहे थे सिमंदर स्वामी, अरे महावीर स्वामी भगवान क्या समझ रहे थे, तो भगवान भी केवल ज्ञानी है, केवल दर्शनी है, अंतर्यामी है। उसी क्षण जो है महावीर स्वामी ने प्रसन्न चंद्र राजर्षि के आत्मा में चल रहे भावों को देखा, विचारों को जो देखा अंदर। अब क्या विचार चल रहे थे उनके, बोले मैं तो राजा था कल, अब मैं तो राजा था लेकिन मेरा बेटा तो बहुत छोटा सा था, और मैंने तो दीक्षा ले ली और बेटे को राजगादी पर बैठा दिया, लेकिन अब बेटा इतना तो समझदार बना नहीं, तो शत्रु सेना उसके ऊपर युद्ध करने आई तो उसको हरा करके राज्य हड़प करके चली जाएगी। तो वो जो पुत्र मोह था उनका, बेटा बार बार याद करते करते करके जो है उन्होंने अपनी तरह से बेटे के लिए लड़ना शुरू कर दिया। अब खड़े तो कौशल ध्यान में है, दृष्टि तो सूर्य के सामने लगा के दोनों हाथ ऊपर करके एक पैर पर मेडिटेशन में है, विचार बदल गए साहब, विचार बदल गए तो उनको लगा मैं तो राजा ही हूँ। वो अपने पीछे माथे में लगे हुए एक एक तीर को उठा करके फेंक रहे, इसको मारा ये मारा, ये मर गया, देखो समझे कि नहीं, कितने मर गए, फटाफट मैं तो मारता ही गया। अब मेरा बेटा छोटा है ना, तो मुझे मेरे बेटे की रक्षा तो करनी है साहब, अब क्या करूं। अब वो मन से मानसिक विचारों में युद्ध के अंदर चढ़ गए,
और बस यही विचार चल रहे थे, ये तीर छोड़ा ये मारा, देखो ये तीर छोड़ा ये मारा। इसलिए इस क्षण को देखते हुए महावीर स्वामी ने उत्तर दिया, अरे श्रेणी अभी मरे तो सातवीं नरक में जाए। इतने बड़े महात्मा और इतनी ऊंची ध्यान साधना में खड़े हैं और ये जो दृश्य देखा है श्रेणी राजा ने, ओ अरे भगवान ये कैसे संभव हो सकता है, हमारे जैसे सातवीं नरक में जा सकते हैं, ये महात्मा कैसे जा सकते हैं भगवान, ये तो संभव ही नहीं हो सकता है। महावीर स्वामी ने पूछा, श्रेणी आपने क्या शब्द प्रयोग किया है, आपने क्या शब्द प्रयोग करके पूछा है। कांति भी बोलो शब्द सुन आप प्रयोग से नहीं मालूम है, चलो आचल्य जी बोलिए तो। इस क्षण। हाँ बस देखिए तो महत्व का क्या है, ये मरना इनका महत्व का है क्या, मरे तो नहीं है ना, तो उनका शब्द प्रयोग है उसमें क्षण शब्द का महत्व है। हे भगवान इस क्षण अगर मरे तो क्या हो जाएगा, तो भगवान ने उसी क्षण के हिसाब से उत्तर दिया है, श्रेणी अभी मरे तो इस क्षण मरे तो सातवीं नरक में जाए। उस श्रेणी को बहुत आश्चर्यचकित हो गया, अरे भगवान ऐसे महात्मा जो ध्यान में खड़े उनको सातवीं नरक में जाए तो हमारी तो क्या हालत हो गई सर, हमारी तो क्या हालत हो गई, हम तो कैसे जाएंगे। लेकिन महावीर के मुंह से ये उत्तर सुन लेने के बाद 2 मिनट बीत गई, 3 मिनट बीत गई, 4 मिनट बीत गई, तो श्रेणी राजा ने सोचा कि शायद मैंने इस क्षण शब्द का प्रयोग किया, इसलिए महावीर स्वामी ने भी मेरे को उत्तर इस क्षण के हिसाब से दिया है। तो चलो 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 अब देखो क्षण तो बदल गई ना, वापिस पूछू क्या। हे भगवान आपने उत्तर दिया वो क्षण तो बदल गए, अब क्षण बदलने के बाद अब मरे तो क्या होवे, इधर क्या हुआ। श्रेणी महाराजा ने तो प्रश्न पूछ लिया, लेकिन प्रसन्न चंद्र राजर्षि महात्मा वो एक 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 तीर अपने भाते में से निकाल करके डाल रहे थे और बोल रहे थे ये मरा ये मरा ये मरा। अब लास्ट में क्या हुआ, अब उनके भाते में तीर ही खत्म हो गए, अब एक भी तीर नहीं बचा। अरे अब क्या करूं साहब, अभी भी शत्रु सेना के अंदर तो है ये लोग तो खड़े हैं साहब। ऐसी स्थिति में राजा को लगा कि मेरा मुकुट भी है ना उसमें भी धार है, शायद जो है अभी एक एक शत्रु और बड़ा है, तो फटाक से वो अपना मुकुट उठाने गए और जैसे मुकुट उठाने गए तो सिर पर हाथ लगते उनको ख्याल आया, अरे 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 मैं तो केश लुंचन करके मैं तो साधु बना हूं, मैं कोई राजा थोड़ी हूं, मेरे पास तीर थोड़ी है, पाथा भी नहीं है, तीर भी नहीं है, धनुष भी नहीं है, कुछ नहीं है, अरे ये मैंने क्या किया, ये खाली विचार करते रहा, मैं तो विचार करते रहा, मैं तो विचार करते रहा, लेकिन मेरे को तो कितने कर्म बन गए, विचार करने में मुझे कितने कर्म बन गए, कैसे कैसे कर्म बन गए, अरे 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 अब वो तो बिल्कुल रिवर्स जो है पश्चाताप की धारा में चल, अब पश्चाताप की धारा चलते 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 2 मिनट में तो उनको केवल ज्ञान हो गया, देवता आ गए, देव दुंदुभी बजाने शुरू कर दी। महावीर ने कहा श्रेणी अब मुझे उत्तर देने की जरूर है कि तू खुद ही समझ ले भैया, अरे क्या हो गया भगवान बात क्या हो गई, अरे भैया इतना तो समझ में आ रहा है देव दुंदुभी बज रही है, देवता लोग आ रहे हैं, देखो देखो देखो, अच्छा 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 भगवान क्या केवल ज्ञान हुआ क्या। हाँ श्रेणी, अरे भगवान आपने तो अभी कहा था ये तो सातवीं नरक में जाएगा, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी देर पहले 2 मिनट भी नहीं हुई 2 क्षण पहले तो आपने बोला कि ये सातवीं नरक में जाएगा, सातवीं नरक तो कहाँ है, एकदम लास्ट बॉटम पे यहाँ पर है, अब वो तो इतनी सातवीं नरक में जाने वाला तो केवल ज्ञान कैसे हो जाए। अरे श्रेणी
क्षण बदल गई ना। आपने मुझे पूछा था तब क्या पूछा था, इसी क्षण मृत्यु पावे। तो अब जब क्षण बदल गई तो फिर क्यों नहीं सोते हो? देखो भैया, उनके मन के विचार बदल गए, उनके भाव बिल्कुल सुधर गए, और उनके विचार बदलते ही पश्चाताप की धारा बहुत लंबी चली। उसमें उन्होंने बरोबर कर्म क्षय किया, चारों घाती कर्मों का क्षय हो गया केवल ज्ञान। तो ये क्या हुआ है? गुण के पर्याय का परिवर्तन। उत्पाद व्यय किसमें हुआ है? प्रसन्न चंद्र राजर्षि के विचारों में हुआ है, उनके भावों में हुआ है। और जैसे उनके भावों में विचारों में जो परिवर्तन हुआ है, उस हिसाब से पर्याय बदलती गए। जो पर्याय क्षण पहले सातवीं नरक में जाने वाली बनी थी, वही पर्याय अब क्या हो गई? अब केवल ज्ञान वाली बन गए। तो पर्याय का परिवर्तन है। प्रसन्न चंद्र राजर्षि तो वही है, आत्मा वही है, कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन जो विचार बदले थे, व्यवसाय बदले थे, उसके आधार पर बदल गए। अब आप नरेंद्र जी ये सोचिए कि एक महात्मा, इतने त्यागी महात्मा संसार छोड़कर दीक्षा लेकर आए हैं, और एक मिनट के लिए उनके विचार इतने अशुभ हो जाए कि सातवीं नरक तक पहुंच जाए। तो हमारे विचार मन में मिनट मिनट में हमारे भी तो विचार बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे? प्रतिक्षण हमारे विचार कैसे बदलते जा रहे? मिनट मिनट में क्यों विचार बदलते जा रहे? क्षण क्षण में, तो जो क्षण के अंदर उत्पाद और व्यय हो रहा है, वो हमारे गुणों के पर्याय को बदलता जा रहा है। व्यक्ति वही है, व्यक्ति नहीं बदले हैं, लेकिन अब उनके गुणों के पर्याय में परिवर्तन आ चुका है। इस तरह से ऐसे हो रहा है यहाँ पर गुणों में पर्याय का परिवर्तन। इतना बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है, ये कैसे समझेंगे आप, कैसे जानेंगे? ये है तरीका इतना बदलने का, बरोबर बदल रहे पर्याय। ऐसी स्थिति के अंदर ये पदार्थों में जो परिवर्तन होगा, वो हमारे ज्ञान में परिवर्तन करेगा ही करेगा। दृश्य पदार्थों में जो परिवर्तन होगा, वो हमारे आत्मा में परिवर्तन करेगा ही करेगा। ये है उत्पाद व्यय की प्रक्रिया, और उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से होने वाला पर्याय परिवर्तन। तो इतनी पर्याय बदल जाए तो पदार्थ कोई नष्ट होता है क्या? नहीं हो रहा है। इधर आपने देखा ये परमाणु है सा, अब परमाणु भी अपने, ये परमाणु आप देखिए, अब ये परमाणु साइकिल में चल रहा है। अब इसमें से किस समय इसने कौन सा स्कंद धारण किया, अब किस पर्याय में आया, अब ये परमाणु बरोबर, अब बदलते 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 बदलता जा रहा है। हम पानी पी रहे हैं और पेशाब कर रहे हैं ऐसा, तो जैसा पानी पिया है वैसा ही पेशाब हो रहा है क्या? क्यों पर्याय बदल रही है? क्योंकि जो पानी आपके शरीर में पेट में जाएगा, अब वो अंदर घूमता फिरता पानी आपके एसिड को भी साथ में लेकर जाएगा। पानी पिया तब तो बिल्कुल साफ सफेद सुथरा था, और पेशाब किया तब उसके अंदर पित्त का प्रमाण, एसिडिक कंडीशन आई तो पेशाब पीला पीला लग रहा है। तो ये पर्याय का परिवर्तन है। खाया तब तो आपने बादाम की बर्फी खाई, काजू की कतरी खाई, सब अच्छे फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह खाए, लेकिन उसी की पर्याय बदलने पर मलमूत्र जब बन जाता है तो पर्याय कैसी हो गई साहब? अब क्यों नहीं देखना पसंद हो रहा है? लेकिन आपके लिए चाहे कुछ भी हो, अब वही जाकर दूसरे पिग का, सुअर का आहार बनता है तो उसको तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एक वस्तु की पर्याय हमारे लिए शुभ है, दूसरे के लिए अशुभ है। एक ही वस्तु की पर्याय संसार में सबके लिए एक तरीकी नहीं होती। आपके घर में बेटा हुआ है, आपके घर में सब खुशी मना रहे हैं, अब पड़ोस के घर में खुशी मना रहे हैं कि दुखी हो रहा है? इसलिए तो आप पेड़े बेच कर बांट करके
सब जगह पर पेड़े बांट करके लोगों को खुश तो करने की कोशिश करो, भाई इनके घर में बेटा पैदा हुआ है तो दूसरे किसी को जेलसी तो नहीं होनी चाहिए ना। अब जेठानी की शादी हुई, 4 बरस बीत गए, उसके बाद आई देरानी और देरानी का तो बेटा भी हो गया, जेठानी को नहीं हो रहा है, तो जेठानी खुश होगी कि नाराज होगी कि क्या होगा सा, उसकी पर्याय का क्या होगा। और मान लो कि फिर 2-4 साल के बाद देवरानी को दूसरा बेटा हो जाए तो जेठानी और ज्यादा खुश होगी क्या? अब ये पर्याय किसकी बदलेगी, विचार किसके बिगड़ेंगे। लेकिन अब घर में साथ में रह रहे हैं तो जेठानी भी अपनी कृत्रिम सास से हंसता मुंह तो दिखाएगी ना, मेहमान जब घर में आएंगे तब वो भी तो हंसता मुंह दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी, लेकिन मन में तो समझती है ना। तो ये पर्याय विचारों के आधार पर कैसी पर्याय बदलती है, किसकी पर्याय बदलती है, कितनी पर्याय बदलती रहती है, हर विचार के साथ हमारे पर्याय बदलती है। मैं आपको ये पूछता हूँ कांति भाई कि आपके विचारों के आधार पर चेहरे के हाव भाव भी बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? बदलते हैं, बदलते हैं। जब आपके मन में जिस प्रकार के विचार आते हैं वो आपके चेहरे पर कैसे हाव भाव लाते हैं, सामने वाला समझ सकता है, रोज आपको देखने वाला है, घर में दूसरे भी हैं जो भी रोज आपका चेहरा देखने वाले, 1 मिनट में आपके चेहरे से आपको भाव लेते हैं, शब्दों से भाव लेते हैं, भाषा बोलते हुए आपको भाव लेते हैं। अरे भाई साहब क्या बात है, आज इतने उदास क्यों हो? अच्छा क्या डॉक्टर को बुलाऊं क्या? चलो चलो मैं ही हॉस्पिटल ले चलता हूँ आपको। आपको आश्चर्य लगेगा, क्या बात है, ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं सब, सामने से ही क्यों ऐसा बोल रहे? नहीं नहीं मैं आपको क्या लग रहा हूँ, कैसे आपने ये बोल दिया? अरे भाई साहब मैं देख रहा था कब के उदास थे आप, चेहरा बहुत उतर गया था, उदासीनता छा गई थी, कैसे आपको कैसे बस? नहीं 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 तुमने कहीं केवल ज्ञान थे उसे, तुमने कहीं ज्ञान थे कि उसे ते तुम्हें मैंने आप समझो छो तेम समझो। अरे भाई साहब मुझे कोई इसमें चेहरा देखकर समझने के लिए केवल ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, तो कॉमन सेंस है, संसार के व्यवहार में कोई भी आपको जो है चेहरा देख करके पहचान लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अंदर से गुण की पर्याय बदल रही है। अब मन के अंदर आने वाले विचार, वचन योग में आने वाली भाषा, काम योग में आने वाली क्रिया, तो मन वचन काया के योगों से आपके अंदर पर्यायों का परिवर्तन निरंतर होता है। अब कर्म के उदय के कारण भी आपके अंदर पर्याय का परिवर्तन निरंतर होता है। कर्म की भी तो साइकिल है ना। अब कर्म के उदय के अंदर आप घड़ी देखिए, कर्म उदय में आया तब तीव्रता कितनी थी, हार्ट अटैक आया तब तीव्रता कितनी थी, 4 घंटे बीत गए, अब कम है कि ज्यादा है, टेम्परेचर आया सर कम है कि ज्यादा है, फिर वापिस टाइम बदल गया फिर कम है कि ज्यादा है, तो ये क्यों कम ज्यादा क्यों हो रहा है सर? तो कर्म बंध की तीव्रता मंदता आपकी कितनी कैसी थी उसके आधार पर है, और कुछ नहीं, बस बात तो इतनी सी है। अब इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये जो प्रक्रिया चल रही है इसको हम यहाँ पर जो है पर्याय का परिवर्तन, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ ऊपर यहाँ उत्पाद हुआ यहाँ व्यय हुआ, विचारों में भी तो उत्पाद व्यय हो रहा है ना, विचार भी अच्छे भी हो रहे हैं, विचार बिगड़ भी रहे, विचार बदल भी रहे हैं, विचार सुधर भी रहे, अशुभ में से शुभ में हुआ कि शुभ में से अशुभ में गए, सब क्या हुआ। एक व्यक्ति अभी 10 मिनट पहले जाकर रास्ते पर सबको दान देकर आया, वहां पर बहुत गरीब बैठे थे, 50 लोग थे, तो सबको जाकर 10-10 रुपए सबको गरीब को देकर आया। लेकिन वो जैसे ही आया घर पर आ रहे रास्ते में से आ रहा था तो कहीं उसको जो है पैसा का भरा पाकिट मिल गया, तो उसने तो पाकिट उठा लिया था। अब वो जो व्यक्ति इतना दान देकर आया है तो उसको कोई पाकिट मिल जाए तो उसमें से पैसे चोरी करेगा कि वो दान देगा, क्या करेगा? बात जो है कि पर्याय बदल जाती है,
पर्याय बदलते समय क्या हो गए, अब जिस समय खुद दान दे करके आए और थोड़ी देर बाद उनका ही जो है मोहनीय कर्म ज्यादा बढ़ गया। अब पाकेट खोलकर देखा भाई 2-2 हजार की 20 नोटे हैं। अब मन तो ललचा गया सर, अब मन ललचा गया तो फिर थोड़ी देर के अंदर वो तो और ही कुछ नहीं, जो खुद दान देने वाला है वो चोरी कर सकता है, ये हमको दिमाग में बात बैठती है क्या? लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लोग जो है अच्छे अच्छे सज्जन भी कब चोरी कर लेते हैं, कब क्या कर लेते हैं, कब कैसे कर लेते हैं, कुछ भी कहा नहीं जाता। ये परिस्थिति जो है उस हिसाब से जो है हम कुछ भी नहीं कह सकते, लोग करते हैं। अब लोग करते हैं तो करेंगे सब, अब आप क्या कहेंगे सोचे समझे के नहीं। अब जिस समय जिस प्रकार की बुद्धि हो जाए, जिस समय जैसे विचार बन जाए और उन विचारों के आधार पर कौन कौन क्या कर लेगा, आप कुछ भी नहीं बोल सकते समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर अब लोगों की विचारधारा बदलती है, कब किसके क्या पर्याय कैसे बदलते हैं सोचिए आप। ऐसे पर्याय परिवर्तन की स्थिति और इन प्रकार के पर्यायों के परिवर्तन के समय आपकी जो पर्याय बने बस वही समझे विचार के समय। अब ऐसे स्थिति के अंदर समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ख्याल है। तो ये हमको समझना है क्यों ये पर्याय बदलती जाती है, क्यों ऐसे ऐसे पर्याय हमारे बदलती जाती है, कोई क्यों नहीं समझ पाता है सोचे इसने। तो ये तो चलना ही है, ये तो होना ही होना है। इसी प्रकार से लोग नाच वेश करते रहते हैं, क्लेश कषाय होते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया है कि पर्याय जो है उसका परिवर्तन। अब क्या होगा सर, अब गुण की पर्याय हो और ये कर्म की पर्याय, जब गुण आपका पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होगा तो कर्म है, अब जब गुण ही पूर्ण रूप में नहीं है तो कर्म है, तो कर्म के रूप में चलेगा। अगर गुण पूर्ण रूप में है तो गुण पूर्ण रूप से चलेगा, कर्म है तो कर्म रूप से चलेगा, समझे कि नहीं। तो ये आपको बरोबर देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, समझे कि नहीं। अब जब गुण पूर्ण नहीं है तो कर्म के आवरण से ढका, ये गुण समझ लो ये गुण है का, अब ये गुण है तो ये इसके ऊपर आवरणीय कर्म आकर के ढक गया, अब क्या करना है, अब क्या करना है सब। गुण के ऊपर आवरणीय कर्म आ गया तो गुण तो नीचे दब गया, अब ये कर्म की पर्याय का व्यवहार हो जाएगा, कर्म के पर्याय का व्यवहार चलेगा, समझे करें। अब गुण ढक गया, अगर ये गुण जो है आपका पूर्ण है, अब ये आवरण नहीं है तो गुण के रूप में है तो गुण के पर्याय होगी। अब गुण जो है आवरणीय कर्म से ढक गया तो वो कर्म के पर्याय के हिसाब से चले, दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही इस प्रकार से है, कर्म कर्म के रूप में है, गुण गुण के रूप में है, दोनों की पर्याय का परिवर्तन होता रहेगा सर। ये हमको समझना है, अरे ना ख्याल में आपको। तो यहाँ पर जो है अगर ये हमारी समझ में आ जाए कि कैसे जो है पर्याय का परिवर्तन हो रहा है, अगर हम समझ सकते हैं तो ख्याल आ जाएगा, नहीं आए तो नहीं ख्याल आएगा सर। तो ये पर्याय क्योंकि तो कर्म गुण से भिन्न नहीं है, गुण का आवरण है, अरे ना ख्याल में। कर्म जो है किस पर चढ़ा है तो गुण पर ही है, तो गुण के ऊपर का आवरण है, अब दोनों के ऊपर है, लेकिन आत्मा को छोड़कर के अन्य किसी के साथ वैसा नहीं है। आगे बात समझ में, आत्मा को छोड़ दो तो बाकी किसी पर कर्म तो लगते ही नहीं, आकाश पर नहीं, धर्मास्ती काय पर नहीं, अधर्मास्ती काय पर नहीं, किसी पर कर्म तो लगते ही नहीं, सवाल ही कहाँ खड़े हो रहा है। ये यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई प्रक्रिया बात है। तो अब आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए सब, गुण की पर्याय बदलती जाएगी, कर्म की पर्याय बदलती जाएगी, कर्म में भी क्या है प्रतिक्षण कर्म का उदय है। अब ये आत्मा है सर, अब इसके अंदर ये कर्म है, इधर ये कर्म है, इधर ये कर्म है, अब जिस समय जिस कर्म का आपको ख्याल आ जाए, अब ये सब कर्म आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं,
अब कर्म ये उदय में आए, इधर से ये कर्म उदय में आए, इधर से ये कर्म उदय में आए, अब इधर से ये कर्म उदय में आ जाए। अब कब कौन सा कर्म उदय में आएगा, और जो कर्म उदय में आएगा वो पूरा हो गया क्या, समाप्त तो हो गया क्या? नहीं, अंश ही उदय में आया है, आंशिक रूप में ही आया है, वो उतने ही अंश के रूप में वो रहेगा बस। लेकिन वो भी उसका इतना भाग उदय में आया है तो पूरा हो गया। आपका सिर दर्द हो रहा था, दो कलक हो रहा था, बट मिट गया। दूसरे का पूरे दिन रहता था, तीसरे का दिन रात रहता था, चौथे का दूसरे दिन भी रहता था, पांचवे का 10 दिन तक रहता था। अब जिसकी जिस प्रकार की पर्याय तो होना ही होना है, चलना ही चलना है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको समझ लेना है, तो जैसे गुण है वैसे कर्म की भी पर्याय बदलनी है। ये है पर्याय का परिवर्तन, उत्पाद होता ही रहेगा।